ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर जगदलपुर से है। मामला जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 24 का है, जहां 7 तारीख को शासन द्वारा जवाहर नगर में रहने वाले तेज सिंह ठाकुर और उनकी पत्नी गीता सिंह ठाकुर को होम आइसोलेट किया गया था। होम आइसोलेट धन सिंह ठाकुर ने मीडिया को बताया कि वह एक गरीब परिवार से हैं और उनका जीवन मजदूरी करके चलता है। तेज सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि मैं रोज कमाता हूँ, हर रोज खाता हूँ। ऐसे में अभी मुझे और मेरी पत्नी दोनों को होम आइसोलेट कर दिया गया है, जिसके कारण परिवार को खाने पीने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है और इस कारण मैं मेरे वार्ड के पार्षद से भी मदद की गुहार लगाई, मगर मुझे मेरे वार्ड के पार्षद या शासन की तरफ से मेरे परिवार के लिए खाने पीने की कोई मदद नहीं मिल पाई। वहीं तेज सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि मैं शासन के द्वारा दिए गए एक टोल फ्री नंबर पर भी बात की तो वहाँ से सिर्फ आश्वासन ही मिला, कोई मदद नहीं मिल पाई। मेरी सरकार से अपील है कि मेरे परिवार को शासन द्वारा खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराएं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 24 में रहते हैं। आप लोग को क्वारंटाइन में कब से रखा गया है? 7 तारीख से रखा गया है। कितने दिन हुए अभी? चौथा दिन क्वारंटाइन में है। तो आप लोग को अभी अभी क्या क्या समस्या हो रहा है? हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं है और बाहर से कोई सहायता भी नहीं है। आप लोग अपने वार्ड के जो पार्षद है उससे बातचीत किए थे? पार्षद से भी बात किए थे। क्या बोले पार्षद महोदय? पार्षद बोले कि ठीक है, पैसा और लिस्ट दे दीजिए, सामान ला के दे देंगे और कार्ड लेके राशन कार्ड। इसके अलावा जो वो कलेक्टर महोदय एक टोल फ्री नंबर के जारी किए हैं जो कि गरीबों को मदद मिल सके और कोई भूखा ना रहे, उसमें कभी कॉल करके देखे थे आप लोग? उसमें भी कॉल किए थे लेकिन उसमें भी कोई हमारे लिए कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से जी। तो आप लोग अभी सरकार से क्या मदद चाहते हैं? बस हमें खाने पीने का व्यवस्था ही कर दे, बाकी कुछ। चलिए बताएंगे। मैं धन सिंह नायक, जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 24 जगदलपुर पार्षद। आपके वार्ड में एक घर को जो 7 दिन पहले SI कर गया है, उसको बहुत सारी समस्या आ रहा है, खाने पीने से लेके और भी घर जो गृहस्थी में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है, तो उस मैटर में आपसे इन लोग संपर्क किए क्या? 7 दिन पहले नहीं है, ये 3 दिन पहले की बात है। ये इन लोग आए कोंडा गांव से कुमली गए, कुमली के बाद यहाँ पे आए तो इनको क्वारंटाइन किया गया। तो और इनको मतलब जो आए थे जो संबंधित अधिकारी पुलिस से, तो बोले इनको पर्ची ले लेना, सामान पर्ची और पैसा, और तुम अपना मतलब जो पर्ची देंगे उसको लेके आ जाना और हिसाब दे देना। ये कौन से विभाग से आपको बताया गया था? जो संबंधित अधिकारी, जो पुलिस विभाग आपको बोले थे, उनसे क्या चीज़ बोले आप विवरण में बताओ। सामान का पर्ची ले लेना और पैसा ले लेना और सामान ला। शासन के तरफ से इनके लिए कोई मदद नहीं है? शासन के तरफ से अभी तक का मदद मतलब ना नहीं है। मैं कंट्रोल जगदलपुर में मैं बोला कि भाई ऐसे मतलब जो क्वारंटाइन में करे गए हैं उनको सामान ये सब चीज़ का मतलब उपलब्ध कराया जाए, उनसे अभी नहीं कराएंगे बोले। वार्ड मेंबर होने के चलते आपने क्या मदद की है? वार्ड मेंबर होने के नाते मैं इनको मैं बोला था कि आप कार्ड दे दो, मैं राशन ला दूंगा, अभी 3 बजे राशन खुलेगा। मैं रात ही में लिया हूँ कार्ड, तो मैं आज 3 बजे खुलेगा राशन तो मैं ला दूँ। इनका ये कहना है कि होम आइसोलेट जब से हो गया है इनके पास कोई इनकम नहीं आ रहा है, इसके वजह से इन लोग ना आपको पैसा दे सकते हैं, तो इस हालत में क्या इनको राशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपने भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि प्रशासन इस चीज़ के लिए मना किए हैं। हाँ, प्रशासन मना किया है। क्या करने के लिए मना किया है आपको? प्रशासन मना किया है कि मतलब वहाँ से नहीं मिलेगा कुछ भी। कहाँ से नहीं मिलेगा? कंट्रोल रूम से कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कलेक्टर के यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा? वही तो कंट्रोल रूम में तो है, कलेक्टर ऑफिस हो। चलिए ठीक है। वो जो इस चीज़ को आपको जो बताया है उस अधिकारी का नाम को जाहिर करेंगे क्या? नहीं, अधिकारी के बोलने से कंट्रोल रूम में फोन से कांटेक्ट होता है, वहाँ तो अधिकारी कौन बैठा है तो कौन जानता है। किसकी कांटेक्ट हुई आपसे? 07782231322 में हम फोन करते हैं और हमारे वार्ड का समस्या बताते हैं, यहाँ ये परेशानी है, तब वहाँ पर हम बताते हैं क्या करना है, देंगे नहीं देंगे, वहाँ से होता है। किस तरह की है?